हेलो दोस्तों, मैं हूं आरिफ और आज मैं लेके आया हूं रिव्यू पेन बोट्स एडोब्स 141 का। इसको मैंने अभी जल्दी में परचेस किया था और इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने डाली थी और देन मैंने इनको यूज़ किया और चेक किया कि ये कैसे काम करते हैं, क्या फीचर्स हैं इनके, क्या इनके फीचर्स जो लिस्टेड हैं क्या सही हैं। तो मैंने इनको यूज़ किया और आज मैं आपके लिए इसका रिव्यू लेके आया हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फ़ोन की, इसके केस की। इसका केस काफ़ी बल्की है, ठीक है। तो आपको आपके पॉकेट में ये ज़रूर फील होता है। सेकंड बात इसके चार्जिंग केस की, ये चार्ज इसका चार्ज आराम से चल जाता है, जितना कंपनी ने बताया है अराउंड 2 आवर्स। और इसके बड्स को भी मैंने यूज़ किया है, इसका चार्ज चलता है, ठीक है, चार्ज चलता है 4-5 घंटे आराम से चलता है अगर आप हैवी साउंड यूज़ करते हो, एक सिंगल चार्ज ये होते हैं। देन इस केस में डाल दो, वो अपने आप चार्ज होगा। बाकी क्वालिटी ठीक है, इसका मैग्नेट वो भी ठीक है, काफ़ी सही है इसका मैग्नेट, ठीक है। अब इसका साउंड हम चेक करते हैं, ये साउंड कैसे करता है, ठीक है। तो इसको मैं पहन रहा हूँ, ये इंस्टेंट क्विक एंड पेयर हो जाता है फ़ोन से जैसे ही इसको यूज़ करते हैं। अब आप शायद जो आवाज़ सुन रहे होंगे वो माइक से रिकॉर्ड हो रही है इसके। मैंने इसको यूज़ किया था, इससे कॉल पे मैंने बात की तो ज़्यादा मुझे डिस्टॉर्शन काफ़ी मिले कि पीछे से जो शोर आता है ना, बहुत ज़्यादा फील होगा। अभी भी शायद आपको फील हो रहा होगा ना, ये इसमें नॉइस कैंसिलेशन का फीचर्स नहीं है। तो आप जब किसी से बात करते हो तो आसपास की जितनी आवाज़ें होती हैं सब स्किप हो जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें इसकी इन ईयर फिट की, तो फिट तो होता है लेकिन एक टाइम बाद आपके जो कान है उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसका डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है, इसका डिज़ाइन काफ़ी एयर बड़ा है कान के पास। तो अगर आपका ये छोटा है कान का जो एरिया होता है तो वहाँ पे ये आपको एक टाइम बाद दर्द देना शुरू कर देता है। तो इन ईयर फिल्ड मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। अब बात करें साउंड क्वालिटी की, साउंड क्वालिटी की हम देखें तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी डिसेंट साउंड क्वालिटी है, बेस चाहे ट्रेबल चाहे जिसकी बात करें सब डिसेंट काम करते हैं, ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है पर डिसेंट है। फिर हम बात करते हैं इसके डिस्टॉर्शन की, मैंने गाना सुनते हुए तो नहीं फील किया पर अगर जब मैं किसी से बात करता था इसको यूज़ करके तो मुझे इसका डिस्टॉर्शन फील होता था, लाइक आवाज़ ख़राब हो जाती थी अगर सामने से आ रही है तो जब मैं बात करता था। बाकी गाने सुनते समय मुझे कोई ख़राबी नहीं लगी। और इसका टच रिस्पॉन्स सिंगल प्रेस होल्ड पे आपको गूगल असिस्टेंट या सीरी मिल जाएगा, डबल टैप पे आपका राइट पे डबल टैप करने पे आपका नेक्स्ट सॉन्ग प्ले होगा, लेफ्ट पे डबल टैप करने पे आपका प्रीवियस सॉन्ग प्ले हो जाएगा, और प्ले पॉज सिंगल टैप दोनों साइड पे, चाहे आपको कॉल आंसर करनी है या रिजेक्ट करनी है सिंगल टैप दोनों साइड पे आप कर सकते हो। और इसका पेयरिंग फीचर काफ़ी अच्छा है, आप जैसे ही इसको ओपन करोगे या आपके फ़ोन से तो ऑटोमेटिक पेयर कर लेता है एक बार पेयर होने के बाद। देन इसकी बैटरी लाइफ तो काफ़ी अच्छी है, साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है, क्वालिटी फीचर मैंने आपको बताया कैसा। तो यही था इस प्राइस रेंज के हिसाब से, जो कि इसकी प्राइस थी 999 जो कि मैंने ऑफर में खरीदा था, पर अगर आप वैसे लें तो अराउंड 1300 पड़ती है इसकी प्राइस। तो उसके हिसाब से भी ये अपना काम करता है, अपना जो वैल्यू फॉर मनी है वो अपना ये लेके देता है। अगर आपको इन ईयर कोई दिक्कत होती है किस अगर आपका आप इसको लेने पे आपका ये इन ईयर दर्द करता है तो शायद आपके लिए सही ना हो, तो मैं आपको कहूँगा आप दूसरा ईयरबड ले लो, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा पेन करता है, मैंने यूज़ किया इसको। पर साउंड क्वालिटी बाकी सब देखें, इस प्राइस रेंज पे अगर आपको एक अच्छा एक ब्रांडेड चाहिए
TWS, तो ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा मैं, ठीक है। तो आप जा सकते हो, उसको परचेस कर सकते हो। बाकी इसमें ज़्यादा कोई ख़राबी नहीं है, बस हल्का फुल्का डिस्टॉर्शन फील होता है। और बात करें गेमिंग की, गेमिंग लेटेंसी की, तो उसमें थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बाकी मुझे तो गेमिंग ठीक लगी। और आप अगर, हाँ अगर आप प्रो गेमर हो तो प्लीज़ ये मत यूज़ करना, ठीक है, क्योंकि अब जानते हो कितना दे देंगे, 1000 रुपये में क्या दे देंगे आपको, ठीक है। पर जो नए लोग हैं जिनको एक अच्छा TWS चाहिए, जिनको यूज़ करना है, उनके लिए मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। इसके डिज़ाइन भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है, बैटरी बैकअप अच्छी है और साउंड क्वालिटी भी ठीक ठाक है, ठीक है। तो अगर आप एक नए TWS यूज़र हैं और आपको कम रेंज में एक TWS, अच्छा TWS चाहिए, तो ज़रूर आप इसको लीजिए। वरना अगर आपको गेमिंग के पर्पज़ से या फिर और कुछ मतलब कि थोड़ा अच्छा चाहिए, तो आप, मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा ऊपर जाइए, 2000 के ऊपर जाइए, तब जाके TWS लीजिए, तब आपको सही TWS मिल जाएगा। सो ये थी आज की रिव्यू वीडियो। आज मैंने रिव्यू किया बोट एयरडॉक्स 141 का। होप कि आप सबको पसंद आया हो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मेंशन डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।